मैं हूं प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। बॉलीवुड के फिल्म सितारों ने न्यूयॉर्क की जमीन पर 4 चांद लगाए। जी हां, बड़ी ही धूमधाम के साथ न्यूयॉर्क में आईफा अवार्ड्स का आयोजन किया गया। एक से बढ़कर एक धुआंधार परफॉर्मेंसेस और मस्ती मजाक के बीच सितारों को पुरस्कार से नवाजा गया। इस बार का आईफा हर मायने में खास था और सबसे ज्यादा खास उन सितारों के लिए था जो कि पहली बार इस अवार्ड फंक्शन का हिस्सा बने। इन्हीं में से एक हैं वरुण धवन। वरुण ने बड़े ही शानदार तरीके से आईफा में अपना डेब्यू किया। वरुण ने इस आईफा में अपने पिता डेविड धवन को स्पेशल ट्रिब्यूट दिया और साथ ही उन्हें फिल्म धुशुम के लिए कॉमिक कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। स्टेज पर आते ही वरुण धवन काफी इमोशनल हो गए और उन्होंने अपना पहला आईफा अपने भाई रोहित धवन को डेडिकेट किया। इसी दौरान वरुण ने मजाक मजाक में ही सही लेकिन शो के होस्ट और अपने मेंटोर करण जौहर से खुद को बाहुबली 3 में कास्ट करने के लिए रिक्वेस्ट भी कर डाला। वहां मौजूद सभी लोग वरुण की बात सुनकर काफी उत्सुक हुए लेकिन करण ने वरुण की रिक्वेस्ट को नजरअंदाज कर दिया। वरुण ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मैंने हमेशा से ऐसे चॉकलेट बॉय वाले रोल किए हैं, कॉमेडी रोल काफी किए हैं, अब मैं कुछ सीरियस करना चाहता हूँ। तो करण, आपने बाहुबली 2 प्रेजेंट किया था, तो अगर बाहुबली 3 बनती है तो क्या मैं उसमें हिस्सा ले सकता हूँ? करण ने तुरंत ही ना कह दिया और शो को अपने खास अंदाज में आगे बढ़ाया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।